Hi guys, आज मैं खाने वाला हूँ the favorite food of most followed people on Instagram. तो मैंने सोचा था इस चैलेंज में ना ये करूंगा, जो टॉप 5 बंदे होंगे ना मोस्ट फॉलोड मोस्ट फेमस ऑन इंस्टाग्राम, उनके फेवरेट खाने निकालूंगा और वो खा लूंगा. बट जब मैं रिसर्च करने बैठा ना तब मुझे पता चला भाई नंबर 1 पे खुद इंस्टाग्राम ही है. मतलब इंस्टाग्राम अपना फेवरेट है विद 570 मिलियन फॉलोअर्स. भाई साहब 570 मिलियन फॉलोअर्स, मेरे कितने हैं? होल्ड ऑन, 2000 फॉलोअर्स हैं भाई बस मेरे. नहीं, फूड पेज पे तो भाई 2 लाख से ज्यादा हैं, तो थोड़ी इज्जत वहां मेरी बच गई. ठीक है, तो मैं पता है आप क्या करता हूँ, तो नंबर 2 से लेके जो नंबर 6 तक अब लोग हैं ना मोस्ट फेमस, उनके खाने ट्राई कर लेते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट विद 6 नंबर. और 6 नंबर पे पता है कौन है? विद 349 मिलियन फॉलोअर्स, हमारे रॉकी भैया. यार क्योंकि रॉक की मसल्स वसल्स हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं भाई, तो वो ना पूरे दिन बढ़िया चिकन और ये फिश वगैरह खाते हैं, बट जब उनका चीट मील होता है फिर तो भैया वो फाड़ देते हैं. वैसे तो हम सबको पता है ही लाइक्स दैट पैनकेक्स, वो मोटे वाले उसके ऊपर मेपल सिरप डाल के, बट मैंने देखा था ही ऑल्सो लाइक्स इन्फेमस 4-inch थिक रॉक टोस्ट. ओह यह भाई आज यही बनाने वाले हैं. तो मैंने ना एक रॉक की पिक्चर देखी थी फ्रॉम हिज कॉलेज डेज आई थिंक, एंड मुझे लगता है मैं कुछ वैसा देख सकता हूँ. यार वो चेन मिसिंग है और थोड़े डोले मिसिंग है ना. नहीं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सऊदी अरेबिया का ना कोई सस्ता शेख लग रहा हूँ. भाई छोड़ो ये सब, अब बनाते हैं डीजे स्पेशल फ्रेंच टोस्ट. सबसे पहले ले लो थोड़ा सा दूध, फिर डालो सिनेमन पाउडर, 2-3 ड्रॉप्स वेनिला एक्सट्रैक्ट की डाल दो, 2 से ज्यादा डल गई. शिट. अंडों के बाद पुट सम क्रीम. यार मैंने रॉकी भैया की ना 2-3 वीडियोस देखी हैं, पहले वो फ्रेंच टोस्ट खाते हैं फिर वो मस्त वाली टेकीला भी दें. हम टेकीला अवॉइड करेंगे, पहले भाई फ्रेंच टोस्ट तो बन जाए. रॉकी भैया ने ना अपनी वीडियोस में साफ साफ बताया कि ही लाइक्स ब्रियोश ब्रेड, बट ये जो ब्रेड है ना ये ऑरिगैनो ब्रेड है, और इसमें से क्या पंच आ रहा है ऑरिगैनो का? मतलब ये मोटापे वाली जो ब्रेड है ना वो 4-inch ब्रेड, उसमें सिर्फ ये ऑरिगैनो ब्रेड अवेलेबल थी. तो मैंने कहा यार मैं वो बनाऊंगा तो बस वो 4-inch वाला ब्रेड टोस्ट बनाऊंगा, एल्स तो मैं ले आए. बस ये सीन है. नाउ यू डू दिस. 2 ब्रेड से ज्यादा ना इसके अंदर जाएगी भी नहीं. ओके लेट्स फायर अप द पैन, हियर गोज द फ्रेंच टोस्ट. वोहो भाई चेक दिस आउट. यार मन कर रहा है इसकी चक मार लूं, बट अभी नहीं भाई, पहले इसके ऊपर डालेंगे पीनट बटर. भाई साहब हियर गोज द व्हिप क्रीम. नहीं अभी हुआ नहीं है, अभी एक एक लास्ट चीज और है, द मेपल सिरप. ओह शिट रॉकी भैया क्या करा के मानोगे. कैन यू स्मेल व्हाट तुषार हैज कुक्ड. बहुत सही बनाए यार. देखो फ्लेवर तो इसके अंदर से बहुत अच्छा आ रहा है, बट ना मेरी गलती है, मैंने वो जो ऑरिगैनो वाली ब्रेड ली है उसकी वजह से यार, मतलब थोड़ा थोड़ा ऑरिगैनो का फ्लेवर आ रहा है. वो ना ये मुझसे नहीं खाया जाएगा. आई एम सुपर फुल. हाँ भाई एक से ही मेरा हो गया, सच में बहुत ज्यादा हैवी है, पता नहीं क्या क्या मैंने इसके अंदर डाला है. अब मैं बस चलो इतना खा लेता हूँ, ये मेरा लास्ट है. उसके बाद ना ओ यार ये भी तो बच गया है, मैं इसको नीचे ना डॉगी को दे देता हूँ, डॉगी अच्छे से खा लेगा. ठीक है तो भाई अब जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी है ना विद ओवर 358 मिलियन फॉलोअर्स एंड 4th मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज दी सेलेना गोमेज. भाई जब मैंने इस लड़की को पहली बार देखा था ना तो वो जो फ्रेज था ना छोटी बच्ची हो गया, लिटरली यही मेरे माइंड में आया था. यार ये छोटी सी बच्ची है और शी इज अ वेरी पॉपुलर सिंगर, एंड भाई ये बहुत जंक खाती है. व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू ईट? एवरीथिंग. जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था ना, इसका फेवरेट खाना पता है क्या है? चीटोस, पेपरोनी पिज्जा एंड द चॉकलेट केक. डेजर्ट यू कांट लिव विदाउट चॉकलेट केक. हाँ आई नो ये चॉकलेट पेस्ट्री है, बट यार मैं चॉकलेट केक खाऊंगा ना तो मैं मोटा हो जाऊंगा, एंड आई डोंट नो हाउ सेलेना गोमेज इतना जंक खा के मोटी कैसे नहीं होती. सही है भाई उसका भी. आई थिंक मैंने आज से पहले ना कभी पेपरोनी पिज्जा खाया भी नहीं है, सो दिस इज गोना बी माय फर्स्ट टाइम जब मैं पेपरोनी पिज्जा खा रहा हूँ, ऑल थैंक्स टू सेलेना गोमेज मैडम. वैसे तो यार उसको ना पिज्जा ही पसंद है, बट मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ पेपरोनी पिज्जा, तो मैंने कहा यार ठीक है पेपरोनी पिज्जा ही ले लेते हैं. And here goes the oregano. Chili flakes तुम्हारा भाई खाता नहीं है, और सलीना मैडम ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि उसे chili flakes पसंद है या नहीं, तो cheers. Nice, भाई. It almost tastes like जब मैं शाम में वो सलामी वाला सैंडविच बनाता हूँ ना,
एकदम वैसा फ्लेवर आ रहा है इसमें से। और सलीना मैडम को ना यार चीटोस बहुत पसंद है, तो मैं स्पेशली चीटोस लेने सुपरमार्केट गया था। भाई साहब जो पैकेट था ना वो 950 रुपए का था, मैं लेने के लिए रेडी भी हो गया था, बट जो उन्होंने फोटोज अपनी डाली हुई है ना इंस्टाग्राम पे विद चीटोस का पैकेट, तो वो फ्लेमिंग हॉट वाला चीटोस था। तो मैंने बस अपने माइंड को ट्रिक कर लिया कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, और मैंने अपने 950 रुपए बचा लिए। तो मैंने कहा ठीक है यार पैसे बचाओ, पेपरोनी पिज्जा खाओ। भाई सामने ना मेरी चॉकलेट पेस्ट्री बड़ी है और मुझे रुका नहीं जा रहा, एक बार डालूंगा देन चॉकलेट पेस्ट्री। ओके यार, वैसे चॉकलेट पेस्ट्री तो मेरी भी बहुत फेवरेट है, बस मुझे रिग्रेट बहुत होता है इसको खाने के बाद, भाई इसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती है ना। एनीवे मैं बस खा रहा हूँ अभी से। वैसे मैंने 3U Bromo से लिया है और सेम पेस्ट्री का केक भी था वहाँ पे, बट मैंने कहा यार वो मैं केक तो नहीं खा पाऊँगा, पेस्ट्री से ही कर लेते हैं अभी, लो बहुत खाना और खाना है। भाई दिस इज गोना बी माई लास्ट बाइट एंड थैंक यू सलीना मैडम फॉर दी लवली पिज्जा एंड केक, मतलब पेस्ट्री। और नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंस्टाग्रामर विद ओवर 372 मिलियन फॉलोअर्स एंड द थर्ड मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम। भाई ये है हमारी काइली जेनर। मैं हमारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिलजीत भाई इन पे लाइन मारते थे शायद, जितना मुझे रिसर्च करते हुए पता चला था। खैर भाई इन मैडम के ना अलग ही शौक है, इनको कपकेक पे खुद से ड्रेसिंग करके खाने का शौक है, और तो और इनको पॉमीग्रेनेट खाने का भी बहुत शौक है। तो पॉमीग्रेनेट एंड कपकेक विद हर ओन ड्रेसिंग ये इनके फेवरेट फूड है, मतलब एज पर गूगल। और जरा ये वाली वीडियो देखना। I eat shrimp tacos every day. The tacos, the guac, the onions, mix it all up. Shrimp, the shell, shrimpies. The juiciness like drips like down your lip. भाई श्रिम्प टाकोज मैंने लिटरली आज तक खाने तो दूर की बात इमेजिन भी नहीं किए थे कि आते होंगे, तो मैंने एक बड़ी एक्जॉटिक प्लेस से ये श्रिम्प टाकोज ऑर्डर किए हैं। भाई इसके साथ इन्होंने मुझे राइस भी दिए हैं, और ये 3 पीस श्रिम्प टाकोज ना 700 रुपए के हैं भाई, और साथ में ना इन्होंने और भी चीज़ें भिजवाई हैं। दिस इज दी ग्वाकामोली एंड सार क्रीम पीको डे गालो। तो भाई एक एक करके ना ये चीज़ें इसके ऊपर डालते हैं। अब काइली मैडम के भाई थोड़े शौक हैं अच्छे अच्छे, तो लेट्स मेक आर टाकोज। ये गया हमारा थोड़ा सा पीका डे गालो, लिटिल बिट ऑफ ग्वाकामोली पे ना थोड़ा सा लाइम भी डाल देते हैं, थोड़ी सी ना इसके ऊपर मैं सार क्रीम भी डाल देता हूँ। बिना सार क्रीम के टाकोज में मजा कहाँ आता है यार। वेल गाइस चेक दिस टाको आउट। भाई जैसे उसने अभी उस क्लिप में अपना टाको एक्सप्लेन किया था ना भाई, वैसे बना दिया मैंने। इसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें हैं, और भाई ये बहुत एक्जॉटिक लग रहा है मेरे को यार, ये ट्राई करना है। आई थिंक आई प्रेफर माई टाकोज विदाउट श्रिम्प यार, पड़ेगा इसके अंदर वेजीज हैं, इसके अंदर से फ्लेवर अच्छा आ रहा है, बट श्रिम्प की वजह से ना थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है। आई डोंट नो यार इसको श्रिम्प टाकोज कैसे पसंद आ गया। इन जनरल यार मुझे टाकोज बहुत पसंद है, बट ये श्रिम्प वाले टाकोज का ना सीन एकदम डिफरेंट था। आई स्टिक टू माई ओन चिकन, वो नॉर्मल वाले टाकोज ठीक है। अब भाई मैडम के कपकेक, वेनिला कपकेक विद स्ट्रॉबेरी फ्रॉस्टिंग, वो अभी मैंने सलीना मैडम का चॉकलेट केक खाया था, अब मैं काइली मैडम का कपकेक खा रहा हूँ, मतलब उनका तो नहीं है बट ठीक है, मैडम को कपकेक पसंद है तो खा लेते हैं हम भी। गाइस आई डोंट थिंक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कपकेक्स, बट हाँ मुझे मफिन्स पसंद है, मतलब बहुत अजीब सा फ्लेवर लगता है यार उस फ्रॉस्टिंग की वजह से। I'll stick to muffins or cakes. भाई देखो now I'm almost full, मतलब मेरा पेट literally अब बहुत भर चुका है, and अभी इतने महंगे जो tacos मेरे सामने पड़े हैं ये भी मुझे खाने पड़ेंगे, ये मैं किसी को देने नहीं वाला, ये तो मैं खुद ही खाऊंगा ठीक है, चाहे जैसे भी फ्लेवर के हैं। I'll eat it because I paid 700 rupees for this. So I'm gonna eat it and फिर हम try करने वाले हैं second most famous person on Instagram, नहीं second most followed person on Instagram ka favorite khana. With over 379 million followers, it's none other than Lionel Messi. Maine na Messi bhai ka ek interview dekha bhi, aur usme usne bataya ki he likes to eat asado which is grilled meat, aur वैसे मैंने asado के बारे में कभी सुना भी नहीं था, and Milanesa या फिर पास्ता। तो भाई देखो मिलानेसा को ना स्निट्ज़ल भी बोलते हैं, और मुझे गुड़गांव में कैफे मिला है जहाँ पे स्निट्ज़ल मिलता है बड़े अच्छे वाला। This is called Schnitzel. So it is basically a fried chicken breast. भाई एकदम KFC वाला सीन है, एंड मेसी भाई की फेवरेट डिश है। वैसे गुड चॉइस मेसी भाई, फ्राइड चिकन तो यार मेरा भी फेवरेट है, और इन्होंने ना
चिली मेयो के साथ मुझे फ्राइड श्निट्ज़ल सर्व किया है एंड इट लुक्स सो डैमिंग। ओ भाई क्या क्रिस्पी है। श्निट्ज़ल तो यार बहुत अच्छा है बट द थिंग इज आई एम सपोर्टिंग अर्जेंटीना और कल वो सऊदी अरेबिया से हार गई और आज मैं मेसी का फेवरेट खाना खा रहा हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इसमें ना द कैच इज जो चिकन ब्रेस्ट होती है ना उसको ये लोग बहुत ज़्यादा आई मीन दे प्रेस इट एंड मेक इट वेरी थिन फिर उसको डीप फ्राई करते हैं और फिर हमें सर्व करते हैं एंड इट इज सो वेल कुक्ड। श्निट्ज़ल खा के ना यार मुझे सच्ची मजा आ गया एंड नाउ इट्स टाइम टू ईट द फेवरेट फूड ऑफ द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम विद ओवर 503 मिलियन फॉलोअर्स मेरा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और पता है भाई का फेवरेट खाना क्या है? बकल हाउ आ ब्रास। बड़ी अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है इसकी बट ये मैंने बहुत ढूंढा दिल्ली में इवन गुड़गांव में भी ढूंढा मुझे नहीं मिला। तो मैं ना एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें मुझे पता चला कि रोनाल्डो ऑल्सो लाइक्स रिजोर्टो। मैंने कहा हा ये तो आसान है और जो स्पेसिफिक रिजोर्टो रोनाल्डो को पसंद है ना वो आरबोरिया राइस वाला मुझे वही वाला मिल गया। ओके चेक दिस आउट गाइज क्रिस्टियानो रोनाल्डोज फेवरेट आरबोरिया राइस वाला रिजोर्टो। भाई मतलब 503 मिलियन फॉलोअर्स और ये फेवरेट फूड। अबे यार भाई मोमो शोमो खा लेता यार। फॉर मी रिजोर्टो इज लाइक इंपोर्टेड वाले चावल जो कि भाई क्रीम वगैरह में बना के सर्व करते हैं। वैसे एक बात बताऊं इटली में ना ये रिजोर्टो टॉप की चीज़ है। मुझे लगता है वहाँ तक राजमा चावल अभी पहुँचे नहीं है। एक बार ज़रा उनको राजमा चावल खिलाओ अपना रिजोर्टो भूल जाएंगे। जो रोनाल्डो का फेवरेट फूड है ना मतलब वो नंबर वन वाला वो बकल हाउस आ ब्रास वो भी वैसे हेल्दी खाना ही है। आई मीन इट्स लाइक अ कॉड और उसके अंदर स्क्रैम्बल्ड एग्स वगैरह डालते हैं बट आई थिंक इस मामले में ना मेसी का जो फेवरेट फूड है वो ज़्यादा सही है। मतलब भाई पास्ता खा लेता है भाई फ्राइड चिकन खा लेता है यार ये होता है ना खाना। बट अकॉर्डिंग टू मी भाई सबसे ज़्यादा खाना मैंने एंजॉय पता है किसका किया? एक तो रॉक का किया और सलीना गोमेज़ भाई वो लड़की कुछ भी खा दिया। भाई मतलब मेरा भी यही हाल है मुझे पूरा दिन तुम चीटोस दे दो पिज्ज़ा दे दो और भाई एंड में एक चॉकलेट केक दे दो बढ़िया था और मैं सुला दो। ओहो आई रियली होप आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा एंड भाई तुम्हारे माइंड में अगर कोई क्रेजी आइडिया ना मुझे बता दो मैं पक्का तो नहीं मैं कोशिश करूँगा करने की। ठीक है तो यू नो द ड्रिल लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।